बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सरदार सवारहान, लेक्चर ज्योग्राफी फ्रॉम आईसीबी G63 इस्लामाबाद। स्टूडेंट्स, टुडे इट्स माय 12th लेक्चर ऑफ ज्योग्राफी क्लास 6 वीक 6। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द करंट टॉपिक seasonal or monsoon winds, I will recap the whole previous lecture 11, its main topics. Students, recap का मकसद ये होता है कि आपको जो गुज़श्ता लेक्चर में एम पॉइंट्स आपने पढ़े थे उनको दोबारा दोहराया जाए ताकि आपको वो पॉइंट्स अच्छे तरीके से याद हो जाएं। तो स्टूडेंट्स, गुज़श्ता जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 11, उसके मेन पॉइंट्स थे, एक थी डिफाइन विंड्स, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ विंड सिस्टम, कि हवा की हमने एक तो डेफिनेशन पढ़ी थी कि वो क्या और कितने हवाई निज़ाम इस दुनिया पर मौजूद हैं, और दूसरा ग्लोबल आर प्लेनेटरी आर परमानेंट विंड सिस्टम्स को हमने डिटेल के साथ पढ़ा था कि ये सियारिया या दायमी या ग्लोबल विंड सिस्टम क्या है और इसकी टाइप्स क्या हैं, और इसी के अंदर हमने पढ़ा था कि हवाएं सदरन नदरन हेमिस्फेयर में क्यों क्लॉकवाइज रोटेट करती है और सदरन हेमिस्फेयर में क्यों एंटी क्लॉकवाइज मूव करती हैं। इसके लिए एक टर्म है इस्तेमाल होती है, व्हाट डू यू नो अबाउट कोरेलियस इफेक्ट, यानी कोरेलियस इफेक्ट से क्या मुराद है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं विंड को। विंड की डेफिनेशन आपको पता है कि हवा में थोड़ी सी भी हरकत आ जाए तो हवा चलना शुरू हो जाती है और हमें महसूस होता है, लेकिन ना हवा को थाम होल्ड कर सकते हैं ना उसको हम उसको कह सकते हैं कि उसकी देख सकते हैं, बल्कि हम उसको महसूस कर सकते हैं। तो विंड की डेफिनेशन क्या है कि इट इज द मूवमेंट ऑफ एयर कॉज्ड बाय द अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ एंड इट्स रोटेशन। यू कैन नॉट सी इट आर होल्ड इट, बट यू कैन फील इट्स फोर्स। आप सिर्फ इसकी फोर्स को फील कर सकते हैं, या आप इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि विंड इज मूविंग एयर एंड इट इज कॉज्ड बाय डिफरेंसेस इन एयर प्रेशर विद ओवर एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर प्रेशर में डिफरेंसेस होते हैं, आपको पता है कि जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां पर एयर प्रेशर कम होता है, हवा का दबाव कम होता है, और जहां पर टेम्परेचर कम होता है वहां पर एयर प्रेशर ज्यादा। तो इस यानी एयर प्रेशर में जो डिफरेंस आता है, इसकी वजह से भी हम विंड की डायरेक्शंस को, विंड मूवमेंट को हम देख सकते हैं कि हवा कैसे हरकत करती है। एयर अंडर हाई प्रेशर मूव्स टुवर्ड एरियाज ऑफ लो प्रेशर। हवा की ये खासियत है कि ये हमेशा ज्यादा दबाव वाले हल्के से कम दबाव वाले हल्के की तरफ रोटेट करती है, मूव करती है। ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर द फास्टर द एयर, जितनी जो एयर प्रेशर ज्यादा होगा उसी स्पीड से हवा की स्पीड भी ज्यादा होगी, यानी डिफरेंस एयर प्रेशर जितना ज्यादा होगा उसी से हवा की स्पीड भी ज्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि हवा एक मुतहरिक चीज है और एटमॉस्फेयर में मामूली सी भी, यानी थोड़ी बहुत सी भी जब हलचल पैदा होती है तो हवा में हरकत आ जाती है, और आमतौर पर यह हरकत या जो ये जो हलचल है हवा के दबाव में कमी बेशी, यानी एयर प्रेशर के कम या ज्यादा, यानी लो या हाई होने के सबब पैदा होती है। हवा के दबाव में मामूली तब्दीली भी हवा के चलने का सबब बन जाती है, यानी हवा के दबाव में थोड़ी सी भी तब्दीली आ जाए तो वो हवा चलना शुरू हो जाती है। इसकी सूरत यह है कि जब किसी जगह पर हवा का दबाव कम हो जाता है तो वहां बहुत सी हवा क्या हो जाती है, वो हल्की होकर ऊपर उठ जाती है, यानी एटमॉस्फेयर के बलाई तबकात की तरफ चली जाती है। वहां पर खला या स्पेस पैदा हो जाता है और उस खला या स्पेस को पूर्ण करने के लिए सराउंडिंग एरियाज जो कि हाई प्रेशर एरियाज होते हैं वहां से हवाएं इस लो प्रेशर एरियाज की तरफ चलना शुरू कर देती हैं। यूं हवा जो है वो
चलना शुरू हो जाती है और इसको हम विंड विंड सिस्टम कहते हैं या विंड कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ विंड सिस्टम, तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ विंड सिस्टम आर ब्लोइंग ऑन द अर्थ सर्फेस, अर्थात जमीन पर तीन किस्म के हवाई निजाम चल रहे हैं। एक हमने ये फर्स्ट जो हमने इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ग्लोबल आर प्लेनेटरी आर परमानेंट विंड सिस्टम, कि ये दायमी सियारिया ये ग्लोबल विंड सिस्टम क्या है। दूसरा हमने पढ़ना है जो नेक्स्ट जो ये हमने पिछले गुज़श्ता लेक्चर में जो 11 लेक्चर में हमने इसको डिटेल के साथ ग्लोबल आर प्लेनेटरी विंड सिस्टम को पढ़ा था। दूसरा सीजनल, जो कि आज पढ़ेंगे सीजनल आर मॉनसून विंड सिस्टम, जबकि थर्ड वन जो है जिसको हम कहते हैं लोकल विंड सिस्टम। तो ये इस लोकल विंड्स को हम नेक्स्ट जो लेक्चर नंबर 13 होगा उसमें हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो इसी के अंदर जब हवाएं जब चलना शुरू होती हैं तो उसमें कोरेलियस इफेक्ट होता है। अब हमने इसको पहले भी पढ़ लिया है कि कोरेलियस इफेक्ट क्या है, इसको हमने थोड़ा सा रिवाइज भी करना है कि व्हाट इज मीन बाय कोरेलियस इफेक्ट। अब देखते हैं ग्लोबल आर प्लेनेटरी आर परमानेंट, इसको हमने डिटेल के साथ पढ़ा भी था। इसमें ये होता है कि ग्लोबल विंड्स इसकी आर प्लेनेटरी आर परमानेंट विंड की डेफिनेशन ये है कि ग्लोबल विंड्स आर आल्सो नोन एज आर प्लेनेटरी विंड्स आर परमानेंट विंड्स। दिस इज अ सिस्टम ऑफ विंड्स दैट blows from areas of high pressure toward areas of low pressure constantly in a particular directions. जब हवाएं मुस्तकिल तौर पर किसी खास सिमत में चलना शुरू कर देती हैं, यानी हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरियाज की तरफ चलना शुरू कर देती हैं, तो उनको हम दायमी या मुस्तकिल हवाएं कहते हैं। यानी दायमी हवाओं से मुराद वो हवाएं जो दुनिया के दोनों हेमिस्फीयर यानी नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में सारा साल एक ही डायरेक्शन में चलती रहती हैं। अगर जमीन क्या स्टेशनरी होती, साकन होती, तो इन हवाओं का रुख ठीक शुमालन जनूबन होता या जनूबन शुमालन होता, यानी नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ होता। लेकिन जमीन की रोटेशन की वजह से ये हवाएं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस कोरेलियस इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि ये क्लॉकवाइज मूव करना शुरू कर देती हैं, जबकि सदर्न स्वेयर में ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करती हैं। तो इट मींस के दोज विंड्स विच ब्लो फ्रॉम एरियाज ऑफ हाई प्रेशर टुवर्ड्स एरियाज ऑफ लो प्रेशर कॉन्स्टेंटली इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, यानी ऐसी हवाएं जो दुनिया के दोनों निसब हेमिस्फीयर्स में सारा साल एक ही रुख पर किसी खास डायरेक्शन में सिमत में चलती हैं, उनको हम परमानेंट प्लेनेटरी और ग्लोबल विंड सिस्टम कहते हैं। इसकी टाइप्स हमने पढ़ी थी कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ परमानेंट और ग्लोबल और प्लेनेटरी विंड सिस्टम, जिसमें ईस्टरलाइज और ट्रेड विंड जिन तजारती या मशरकी हवाएं भी इनको कहा जाता है, और दूसरा हमने पढ़ा था वेस्टरलाइज और एंटी ट्रेड विंड मगरबी या मुनकलिब करबाद तजारती हवाएं, और थर्ड वन हमने पढ़ा था पोलर विंड। अब ट्रेड विंड जिनको हम तजारती हवाएं या ईस्टरलाइज विंड कहते हैं, ये विंड कहाँ पर पैदा होती हैं, इन विंड्स के बारे में हमने पढ़ा था कि दोज विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरियाज टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरियाज इन बोथ हेमिस्फीयर मीन नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर, यानी ऐसी हवाएं जो कि दुनिया के निसब दोनों निसब करों में यानी नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर वेल्ड यानी 30-35 से ये हवाएं नीचे जो है वो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलती हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती हैं, और इक्वेटर पर चूंकि सूर्य की शुआएं सारा साल वर्टिकल पड़ती हैं, यहाँ पर हवा का दबाव बहुत ज्यादा होता है, हवा का दबाव बहुत कम होता है, जबकि इससे हाई लेटीट्यूड यानी 25 से 35 डिग्री नॉर्थ या 25 से 30 डिग्री साउथ लैटीट्यूड्स के दरमियान चलते हैं, तो वहाँ पर हवा का प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है। इसलिए हवाएं जब ये इक्वेटोरियल एरिया से हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं और ये हाई लैटीट्यूड्स की तरफ जाती हैं, बुलंद अर्ज़ बलद की तरफ जाती हैं, तो वहाँ पर ये ठंडी होकर ये वापस नीचे उतरती हैं, और इनको हम ट्रेड विंड्स के नाम से पुकारते हैं। ये हवाएँ वस्ती ज़्यादा यानी
सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलती हैं, इसलिए इनको तजारती हवाएं इसलिए कहा जाता है क्योंकि ज़माना कदीम में, पुराने ज़माने में जो बादबानी जहाज होते थे या जहाजरान होते थे, उनके चलने वाले जहाज जो है वो जहाजों को ये हवाएं बहुत मदद करती, यानी जो है जहाज नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं या साउथ ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो उनको ये हवाएं मदद करती थी, यानी इनके चलने से जहाजों को पीछे से विंड से धक्का लगता था और उनका ईंधन और बहुत सारी चीजें, ईंधन जो है वो बच जाता था, इसलिए जहाजों को एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक माल और मुसाफर ले जाने में बहुत आसानी हो जाती थी। ज़माना कदीम के जहाजों को चलाने वाले जहाजरान इन्हें होप विंड के नाम से भी पुकारते थे क्योंकि इनके चलने से उन्हें जहाज के चलने की उम्मीद बन जाती थी, यानी वो उन्हें फायदा होता था इससे। अब ये दूसरी विंड्स हैं जिनको हम कहते हैं एंटी ट्रेड्स आर वेस्टर्नाइज विंड्स, एंटी ट्रेड्स आर वेस्टर्नाइज विंड्स। अब ये विंड्स कैसे चलती हैं कि दोज विंड्स विच ब्लोज फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स टुवर्ड्स सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स इन बोथ हेमिस्फीयर, यानी ये वो हवाएं जो कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट यानी 30-35 से ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट यानी 60-65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स की तरफ चलना शुरू कर देती हैं, यानी ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स की तरफ दोनों हेमिस्फीयर में चलती हैं, तो इनको हम एंटी ट्रेड विंड्स या इसको हम मुनकलिब या मगरूबी हवाएं कहते हैं। ये हवाएं ज्यादा रस्ती ज्यादा दबाव हल्कू से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स के कम दबाव के हल्कों की तरफ चलती हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इनका रुख जो है वो है नॉर्थ वेस्ट से, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ और सदर्न हेमिस्फीयर में ये साउथ वेस्ट से जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर में इनका रुख जो होता है वो नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ होता है। तो ये हवाएं चूंकि मगरब से मशरक की तरफ चलती हैं, मगरबी हिस्सों में ये ज्यादा बारिशें बरसाती हैं, इन हवाओं की वजह से चूंकि ये हवाएं तजारती हवाओं के बिल्कुल मुखालिफ सिमत में चलती है, इसलिए इनको हम एंटी ट्रेड विंड्स भी के नाम से भी पुकारते हैं। और ये जो मगरबी हवाएं या वेस्टर्नाइज विंड्स हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की निस्बत सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा बाकायदगी और तेजी के साथ चलती हैं। इसकी रीजन ये है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड ज्यादा है और खुश्की वाटर कम है, यानी 60% लैंड और 40% जो है वो वाटर है, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में ये इसलिए तेज रफ्तारी के साथ चलती हैं कि वहां पर जो ये है कि वहां पर 80% वाटर है और 20% लैंड है, इसी वजह से इनको ये जब ये मगर हवाएं नॉर्दर्न सदर्न हेमिस्फीयर में 40 से 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स के दरमियान जब ये सफर करती हैं तो चलती हैं तो इन हवाओं से बहुत ज़्यादा शोर शराबा पैदा होता है, गिरजने वाली या दहाड़ने वाली इन हवाओं को कहा जाता है। वहाँ पर इनको रोरिंग 40s और स्क्रीचिंग 50s के नाम से पुकारा जाता है और इससे जहाज जो है वो यहाँ पर इन तेज हवाओं के थपड़ों से महफूज रहने के लिए साइट्स को छोड़ देते हैं। यही वजह कि यूरोप से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले जो जहाज होते हैं यानी जो बैरी जहाज होते हैं वो कैप हॉर्न के बजाय, जो कैप हॉर्न है साउथ अमेरिका के नीचे वहां से बजाय ये कैप टाउन से होकर जाते हैं और वापसी पर ये क्या करते हैं, ये कैप टाउन के बजाय क्या करते हैं, ये कैप हॉर्न से होकर वापस आते हैं। उसके बाद थर्ड वन थी पोलर विंड्स। पोलर विंड्स आर पोलर स्टेलाइज दोज कोल्ड ड्राई प्रिवेलिंग विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम पोलर हाई प्रेशर बेल्ट्स एरिया टुवर्ड्स सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स फ्रॉम द ईस्ट इन बोथ हेमिस्फीयर, यानी ऐसी हवाएं जो कि पोलर हाई प्रेशर यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ईस्ट से आप कह सकते हैं कि सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स की तरफ जो है दोनों हेमिस्फीयर में नीम कुतबी कम दबाव के हल्कों की तरफ चलना शुरू कर देती है, उनको पोलर विंड्स कहते हैं। चूंकि ये हवाएं बहुत ठंडी होती हैं, इन हवाओं में आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा जो है वो यकबख्ता सर्द किस्म की हवाएं होती हैं और इससे जो पोलर एरियाज होते हैं उन
सब पोलर लो प्रेशर एरियाज होते हैं, वहाँ सर्दी में इजाफा हो जाता है। तो कुतबी हवाएं पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलती हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये नॉर्थ ईस्ट से चलती हैं, और सदर्न हेमिस्फेयर में ये साउथ ईस्ट की तरफ से चलती हैं। इसलिए बाज़ औक़ात इनको हम पोलर ईस्टरलाइज के नाम से भी पुकारते हैं। ये हवाएं जनूबी नसब कुर्रा में बहुत शदीद होती हैं, और इसकी वजह यह है कि जनूबी नसब कुर्रा जिसको सदरन हेमिस्फेयर कहते हैं, वहाँ पानी की मकदार की ज्यादती ज्यादा यानी पानी ज्यादा है, और जो बर्र अंटार्कटिक की सतह पर बर्फानी चादर यानी बर्र आजमी ग्लेशियर का मौजूद होना है। जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये हवाएं मुख्तलिफ मौसमों में मुख्तलिफ असरात की हामिल होती हैं। मसलन मौसम सरमा में इनसे खूब क्या होती है कि मौसम जो सरमा होता है इसे सब पोलर एरियाज में बहुत ज्यादा हेल स्टोनिंग होती है, जालाबारी होती है, और इनके असर बहुत दूर दूर तक महसूस किए जाते हैं। लेकिन मौसम गर्मा में इनकी शिद्दत इस कदर ज्यादा नहीं होती, जबकि इन पोलर विंड्स के ये जो करंट्स हैं वो पोलर फ्रंटल जोन में मगरबी हवाओं से टकराते हैं, तो साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स के पैदा होने का बायस बनते हैं। जिस तरह हमने वेस्टर्नाइज विंड में देखा था कि वहां पर भी साइक्लोन्स पैदा होते हैं, मगरूबी हवाओं के इलाके में साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स पैदा होते हैं। तो ये था जो हमने ये लेक्चर नंबर 11 में जो प्रीवियस लेक्चर था उसको हमने रिकैप किया है। अब हम आज के लेक्चर्स की तरफ आते हैं। इससे पहले कोरेलियस इफेक्ट वाला भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि व्हाट इज मीन बाय कोरेलियस इफेक्ट। तो कोरेलियस इफेक्ट क्या है कि द कोरेलियस इफेक्ट इज द डिफ्लेक्शन ऑफ एयर ड्यू टू द अर्थ रोटेशन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एयर डिफ्लेक्ट्स टू द राइट एंड इन द सदर्न हेमिस्फीयर टू द लेफ्ट। यानी हवाएं यहाँ पर ये होता है, पिछले डायग्राम में मैंने आपको इस लेक्चर 9-11 था इसमें कोरेलियस इफेक्ट का बताया था कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हवाएं जो है वो क्लॉकवाइज मूव करती हैं, यानी जो इनकी डायरेक्शन होती है वो क्लॉकवाइज होती है, और सदर्न हेमिस्फेयर में ये अपने असर रुख के एंटी क्लॉकवाइज यानी मूव करना शुरू कर देती हैं। द कोरेलियस इफेक्ट्स हेल्प टू डिटरमाइन द डायरेक्शंस ऑफ प्लेनेटरी और परमानेंट विंड्स बाय काजिंग देम टू डिफ्लेक्ट्स एज द अर्थ रोटेट्स। तो ये डिफ्लेक्ट्स यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हवाएं क्लॉकवाइज चलना शुरू कर देती हैं, और सदर्न हेमिस्फेयर में ये एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं। अब हम आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो लेक्चर 12 है इसके इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो दो टॉपिक्स हैं इसके। एक है आपका इंट्रोडक्शन अबाउट सीजनल और मूनसून विंड्स, कि सीजनल या मूनसून विंड से एक की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, और दूसरा है टाइप्स ऑफ सीजनल और मूनसून विंड। जो मूनसून विंड्स हैं इसकी टाइप्स या उसकी जो मौसमी हवाएं हैं उनकी टाइप्स क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन से ही पता, जो सीजन मेन इंट्रोडक्शन में हम जाते हैं तो इसमें देखेंगे सीजनल, सीजन यानी मौसम या मूनसून के इनको भी पुकारा जाता है। द इंग्लिश वर्ड मूनसून ओरिजिनेट फ्रॉम अरबिक वर्ड मौसम। लफ्ज जो मूनसून है ये अंग्रेजी जबान का लफ्ज है जो कि अरबी जबान के लफ्ज मौसम से ओरिजिनेट हुआ है, विच मीन सीजन, जिसका मतलब है अरबी में मौसम को सीजन यानी मौसम कहा जाता है। दस दोज विंड्स, लिहाजा ऐसी हवाएं विच ब्लो ड्यू टू चेंज इन सीजन, ऐसी हवाएं जो कि सीजन या मौसम की तब्दीली के बायस ब्लो करती हैं, चलना शुरू कर देती हैं, उन आर कॉल्ड सीजनल आर मूनसून विंड। उनको हम सीजनल या मौसमी या मूनसून हवाएं कहते हैं। दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड इन समर एंड लैंड टू सी इन विंटर सीजन। ये हवाएं मौसम गर्मा में समुन्द्र से खुश्की की तरफ और मौसम सर्मा में खुश्की से समुन्द्र की तरफ चलना शुरू कर देती हैं। लिहाजा दोज विंड्स विच आर ब्लोइंग अकॉर्डिंग टू सीजन आर कॉल्ड सीजनल आर मूनसून विंड्स।
या इसको इस तरह भी डिफाइन किया जा सकता है कि द विंड्स दैट चेंज देयर डायरेक्शन विद स्टार्ट्स ऑफ डिफरेंट सीजन्स, ऐसी हवाएं जो कि मौसमों के आगाज से अपनी डायरेक्शन या सिमत को ये तब्दील कर लेती हैं, यानी मौसम गर्मा में ये समुंदर से खुश्की की तरफ और मौसम सर्मा में खुश्की से समुंदर की तरफ चलती हैं, उनको हम मूनसून या सीजनल विंड्स के नाम से पुकारते हैं। और इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये हवाएं जो इंडिया ये सब कॉन्टिनेंट को दिखाया गया है, इसके साथ साथ ये आगे एरिया म्यांमार वगैरह का एरिया है, तो आप देखें कि ये अरबियन सी है, ये इंडियन ओशन है और ये बे ऑफ बंगाल है। यहाँ से क्या होता है कि मौसम गर्मा में समुंदर की खासियत ये है कि यहाँ पानी क्या होता है गर्म होता है एज कम्पेयर टू लैंड। लैंड की खासियत यह है कि ये जल्दी गर्म हो जाती है, जल्द ठंडी है। जब मौसम गर्म आता है तो हमारे जो सब कॉन्टिनेंट का एरिया है यहाँ पर एयर प्रेशर जो है वो टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से जो लैंड का एयर प्रेशर है वो कम हो जाता है। इसके मुकाबले में जो एडजेसेंट सीज और ओशंस एरियाज हैं जैसे कि अरेबियन सी, इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर हाई प्रेशर होता है चूंकि समुद्र जो है वो ठंडा होता है, इसलिए हवाएं हाई प्रेशर एरियाज से लो प्रेशर एरियाज की तरफ चलती हैं और ये बहुत ज्यादा बारिश का बायस बनती हैं इस सब कॉन्टिनेंट और सदरन चाइना, बर्मा, म्यांमार जिसको बर्मा कहते हैं और फिलिपाइंस, ताइवान वगैरह के इन इलाकों में बारिशों का बायस बनती हैं, लाओस वगैरह में। जबकि यही सीजनल विंड जब मौसम सर्मा आता है तो मौसम सर्मा में क्या होता है कि जब हमारे यहाँ सूर्य की शुवाएं ओब्लिक पड़ना शुरू हो जाती है, तिरछी पड़ती हैं, तो हमारी जो खुश्की है सब कॉन्टिनेंट की ये ठंडी होती है। इसके मुकाबले में हमारे जो एडजेसेंट सी एरियाज हैं जिसमें अरेबियन सी है, इंडियन ओशन है और बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर यह है कि लो प्रेशर होता है। अब हवाएं जो हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरियाज यानी खुश्की से समुंदर की तरफ चलना शुरू कर देती हैं। ये हवाएं चूंकि वाटर वेपर से भरपूर नहीं होती, ये खुश्क इलाकों से आती हैं जहाँ वाटर रिसोर्सेज नहीं होते, तो इसकी वजह से इनसे बारिश वगैरह बहुत कम होती हैं और बल्कि ना होने के बराबर होती हैं। तो इस डायग्राम से आपको पता चल गया कि ये समर मानसून है और ये विंटर मानसून को शो कर रहे हैं। इसके बाद हम टाइप्स की तरफ आते हैं, तो टाइप्स ऑफ सीजनल आर मानसून विंड्स, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सीजनल आर मानसून विंड। वन इज समर सीजन मानसून, मौसम गर्मा की मानसून हवाएं, और सेकेंड वन है विंटर मानसून, विंटर सीजन मानसून, मौसम सर्मा की मानसून हवाएं। अब ये आपके सामने डायग्राम है, पिक्स एंड मैप्स ऑफ समर एंड विंटर मानसून, ये आपके सामने देखें कि ये सर्दियों का मौसम है, इसमें आप देखेंगे ये जो कटाई हो रही है, ये आप देखेंगे ये दिखाया गया, यहाँ हवाएं चल रही हैं, ये मौसम सर्मा को दिखाई, यहाँ खुश्क हवाएं इस वक्त चल रही हैं, और ये मौसम गर्मा को दिखाया गया कि ये देखें फ्लावर्स वगैरह ये बारिशों की वजह से हरा भरा हो गया खेत वगैरह और ये फूल निकले हुए हैं, तो ये बारिशों के सबब हुआ है। अब यहाँ पर देखें कि विंटर सीजन में क्या होता है कि खुश्की पर हाई प्रेशर होता है, एच मीन्स हाई प्रेशर है, इसके मुकाबले में ये जो सी एरिया यहाँ पर लो प्रेशर है, हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चल रही हैं, जबकि समर सीजन में आप देखें कि यहाँ पर खुश्की पर आप देखें कि लो प्रेशर है, जहाँ गर्मी होगी तो वहाँ टेम्परेचर ज्यादा होता है और वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, इसके मुकाबले में समुद्री एरिया जो है इस पर जो है ओशन एरिया में आप देखेंगे यहाँ पर हाई प्रेशर है, हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चल रही हैं। अब सबसे पहले देखते हैं समर सीजन मानसून मौसम गर्मा की मानसून हवाएं। ड्यूरिंग समर सीजन मौसम गर्मा के दौरान द लैंड मैस ऑफ साउथ एशिया इज इंटेंसली हीटेड, जो बेसिकली इसकी डेफिनेशन यह है कि दोज विंड्स विच आर ब्लोइंग फ्रॉम हाई प्रेशर बेल्ट टुवर्ड्स लो प्रेशर बेल्ट मीन्स सी अरबियन सी आर ओशन एरियाज फ्रॉम कॉन्टिनेंट्स आर लैंड इज कॉल्ड समर मानसून। तो ड्यूरिंग समर सीजन द लैंड मैस ऑफ साउथ एशिया इज इंटेंसली हीटेड, मौसम गर्मा में जनूबी एशिया का जो खुश्की होती है वो बहुत ज्यादा गर्म होती है, वेयर एज द सराउंडिंग सीज एंड ओशंस, जबकि इसके गिर्द निर्वाह के जो समुंदर हैं
ओशन बहर हैं, जैसा कि अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन जो हैव लो टेम्परेचर आर कंपेरेटिवली कूलर टेम्परेचर, यानी उनका दर्जा जो है वो कम होता है या कंपेरेटिवली मुकाबलतन वो जो होते हैं वो उनका दर्जा ठंडा होता है, वो ठंडे होते हैं ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ एयर प्रेशर। अब चूंकि जब समुन्द्र में टेम्परेचर कम होगा तो यहाँ पर हाई प्रेशर होगा, और इसके मुकाबले में खुश्की पर चूंकि गर्मी ज्यादा है तो वहां पर लो प्रेशर होगा। अब क्या होता है कि हवाएं हाई प्रेशर यानी समुन्द्र से लो प्रेशर खुश्की की तरफ चलना शुरू कर देती हैं। ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ एयर प्रेशर विंड स्टार्ट्स टू ब्लो फ्रॉम ओशन टुवर्ड्स लैंड, लिहाजा इस डिफरेंस की वजह से हवाएं जो है वो खुश्की समुन्द्र से खुश्की की तरफ चलना शुरू कर देती हैं। दे आर मॉइस्चर लेडन विंड्स, इनमें नमी बहुत ज्यादा होती है इन हवाओं के अंदर, एंड ब्रिंग रेनफॉल टू साउथ एशियन कंट्रीज, और इन हवाओं की वजह से ये वाटर वेपर से भरपूर विंड्स होती हैं, और ये जो हिमालय कराक्रम पहाड़ी सिलसिलों के साथ जाकर ये टकराती हैं, इन माउंटेनियस रीजन के साथ टकराने के बाद ये बारिशों का सिलसिला शुरू होता है जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ वापस आती हैं, और नॉर्दर्न एरियाज में खास करके जो पाकिस्तान के इलाके हैं या इंडिया के जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वहाँ पर ये खूब बारिशें बरसाती हैं, और इसमें इस मानसून यानी समर मानसून में जो दुनिया के इलाके हैं तो इसमें इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका, म्यांमार, बर्मा वगैरह ये इलाके आते हैं, साउथ चाइना भी है। इसके बाद है, अभी इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि समर मानसून विंड कैसे फ्लो कर रही है, ये देखें, ये अरेबियन सी है, ये इंडियन ओशन है, ये बे ऑफ बंगाल है, यहाँ से हवाएं जो है वो खुश्की की तरफ हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यहाँ पर लो प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर है, हवाएं हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरियाज की तरफ ये देखें ब्लो कर रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये पहाड़ी सिलसिला है हिमालय और कराक्रम के, ये पहाड़ी सिलसिले यहाँ पर टकरा कर ये हवाएं जो है वो बारिशें बरसाती हैं, और ये बारिशों का सिलसिला जनूब की तरफ आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है जबकि नॉर्दर्न एरियाज में ज्यादा बारिशें होती हैं। इसके बाद है विंटर सीजन मानसून, मौसम सर्मा की मानसून हवाएं, दोज विंड्स दैट चेंज देयर डायरेक्शन इन विंटर, ऐसी हवाएं जो कि मौसम सर्मा में अपनी डायरेक्शन को सिमत को चेंज कर लेती हैं विद द चेंज ऑफ सीजन, जब मौसम सर्मा का सीजन आता है तो ये हवाएं फिर क्या करती हैं कि ये लैंड से सी की तरफ चलना शुरू कर देती हैं, स्टार्ट्स टू ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी, और ये खुश्की से समुन्द्र की तरफ चलना शुरू कर देती हैं। दे आर ड्राई विंड्स, बेसिकली ये हवाएं जो खुश्की से आती हैं उसमें तो वाटर वेपर्स नहीं होंगे, वो वाटर वेपर को अब्जॉर्ब करने लॉस कर देती हैं, वाटर वेपर को ये रास्ते में अब्जॉर्ब करती हैं, एंड डू नॉट गिव रेनफॉल, और ये बारिश नहीं बरसाती हैं, इनमें बारिशें इनकी वजह से बहुत कम होती हैं, ना होने के बराबर होती है। अब ये देखें कि ये हवाएं जो हैं वो ये सब कॉन्टिनेंट यानी साउथ एशिया से ये म्यांमार, बर्मा और ये बांग्लादेश और ये साउथ चाइना से ये हवाएं यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट और इन इलाकों में क्या हाई प्रेशर है, यहाँ से हवाएं जो हैं वो इसके एडजेसेंट जो समुद्र है मौसम सर्मा में यहाँ पर लो प्रेशर होता है विंटर सीजन में, तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलना शुरू कर देते हैं जिनको हम विंटर मानसून विंड्स के नाम से पुकारते हैं। इस डायग्राम से आपको क्लियर हो गया है, तो ये था आपका टॉपिक। बेसिकली आपने विंड सीजनल विंड की डेफिनेशन को अच्छे तरीके से याद करना है कि डिफाइंड सीजनल विंड्स, और राइट द नेम्स ऑफ द एरियाज वेयर सीजनल या मानसून विंड्स मोस्टली आकर, तो आपको पता है कि सीजनल या मानसून विंड्स जो है वो ज्यादातर पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा जिसको म्यांमार कहते हैं, और साउथ चाइना के इलाकों में ये हवाएं बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है, और इनसे इन इलाकों में खासी बारिशें होती हैं, तो आपने इन इलाकों को अच्छे तरीके से याद भी करना है, सीजनल विंड की जो टाइप्स हैं इनको इनको डिफाइन भी करना और याद भी करना है, ये आपका मेन टास्क है, आपने अच्छे तरीके से याद करना है इसको। तो ये था आज का लेक्चर, आपका 12 लेक्चर 6 वीक्स तक आपके कंप्लीट हो गए, और अब आपने एक या एक लेक्चर रह गया आपका, इसका एक या दो लेक्चर रह गए लोकल विंड्स, और दूसरा इम्पॉर्टेंस ऑफ लोकल विंड्स वाला रहता, और फिर इसकी हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे जो
चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज और उस कंप्लीट उसको देखेंगे, रिवाइज करेंगे, और चैप्टर 2 की एक्सरसाइज जिसमें ऑब्जेक्टिव्स और फिल इन द ब्लैंक्स को हम देखेंगे। तो थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।